ये एंट्री और एग्जिट पॉइंट, ये देखो ये बिल्कुल बन गया, कंप्लीट हो गया है। ये देख सकते हो तस्वीर है कि देखने में कितना ही सुंदर लग रहा है दोस्तों। ये देखो ये पहले ही कंप्लीट कर लिया जा चुका था दोस्तों, पहले ही। अब उधर का बनाया जा रहा है और बीच में देख सकते हो ये मिट्टी डाल के और इसमें प्लांटेशन कर दी जा चुकी जाएगी, और इसके ये डेंट पेंट का भी काम चल रहा है दोस्तों। तो यही सीन है, तो आप लोग बताना का आप सभी को। तो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं केपी संत आप सभी का नई वीडियो में स्वागत करता हूं दोस्तों। तो फाइनली आपको 15-20 दिन के बाद मैं आप सभी को अपडेट देखने के लिए मिलेगी गाज़ियाबाद RRTS के स्टेशन की दोस्तों। वहां पर कितना कुछ वर्क कंप्लीट हो चुका है, क्या क्या वर्क अभी किया जा रहा है, तो वो सब कुछ आप सभी को इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। तो बने रहो केपी संत के साथ में ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए। और आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो केपी संत के चैनल पर दोस्तों। तो देख सकते हो यहाँ पर ये नीचे का जितना भी है प्लेटफॉर्म के नीचे के जो थ्री एग्जिट हैं, देखो जो नीचे का है यह मतलब कि इसमें फोर्थ फ्लोर है दोस्तों, जो थर्ड फ्लोर तक का है उसमें सेटिंग लगी हुई है और इस पर कंस्ट्रक्शन वर्क किया जा रहा है तेजी के साथ में। और इसमें आपको बता दूं जो ये फूड कोर्ट बनाया गया है सामने, इसमें अभी शीशे लगाए जा रहे हैं दोस्तों। देख सकते हैं ये ग्लासेस लगाने का काम चल रहा है, बाकी सनरूफ और रूफ टॉप का काम पहले ही कर लिया जा चुका था दोस्तों। देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है तेजी के साथ में दोस्तों, और इसमें सेटिंग लगी हुई है। यहाँ पर टीम जोरों शोरों से काम कर रही है, जो कंपनी यहाँ पर वर्क कर रही है दोस्तों वो है KEC द्वारा इस प्लेटफॉर्म को बनाया जा रहा है रैपिड रेल के दोस्तों। देख सकते हो, और आपको बता दूँ इसमें एक तो रेड लाइन है, दूसरा ये फ्लाईओवर है, उसको ये रैपिड रेल क्रॉस कर रही है दोस्तों। देख सकते हो आप लोग तस्वीरें, देखो आप सभी, और ये महामाया स्टेडियम है और इसके साइड में यहाँ से ये मेरठ रोड स्टार्ट हो जाती है और इसी पर यहाँ पर ये बनाया गया है दोस्तों RRTS का स्टेशन गाज़ियाबाद में। देख सकते हो बस कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, तो इसमें अभी पार्किंग के लिए भी इसमें जो गाड़ियाँ खड़ी होंगी 2-व्हीलर 3-व्हीलर 4-व्हीलर वहाँ पर ये पार्किंग बनाने का काम चल रहा है। और अंदर भी इसमें पत्थर लगाया जा रहा है, लाइटें लगाई जा रही हैं, और इसमें अभी डेंट पेंट का काम भी किया जा रहा है, पेंट भी किया जा रहा है दोस्तों प्लेटफॉर्म के अंदर। ऊपर का तो कंप्लीट हो चुका है बनके, इसमें स्क्रीन डोर जो लगने थे वो भी लगा दिए जा चुका है, और इस पर डेली के डेली इस पर ट्रायल रन चलता है दोस्तों। और ये आपको बता दूं दोस्तों कि ये अब जुलाई अगस्त में ये चलना स्टार्ट हो जाएगी, देख सकते हो ये जुलाई में स्टार्ट हो जाएगी, आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। और इस पर 82 किलोमीटर का रूट है दोस्तों, जो कि हमारे दिल्ली के सराय काले खान से स्टार्ट होता है निजामुद्दीन से, और ये मेरठ के मोदीपुरम में जाके इसका एंड हो जाता है दोस्तों। और ये आपको बता दूं दोस्तों जो इस पर जो इसकी कॉस्ट है जो लागत आई है पूरे रूट में 82 किलोमीटर के रूट में, इसमें 30,274 करोड़ रुपये की लागत से इस रूट को कॉरिडोर को बनाया जा रहा है दोस्तों। और ये सन 2019 में इसकी शुरुआत की गई थी दोस्तों, और ये सन 2025 में कंप्लीट हो जाएगा बनके, आम जनता के लिए पूरा रूट खोल दिया जाएगा। तो देख सकते हो एंट्री एग्जिट पॉइंट बनाने के लिए इसमें देख सकते हो ये पिलर बना दिए हैं, पिलर बनाने के बाद में पियर कैप का काम भी हो चुका है ये देख सकते हो नीचे, और इस पर अंदर कंस्ट्रक्शन चल रहा है अभी, जो डेंट पेंट का काम है, लाइटें हैं वो लगाई जा रही हैं दोस्तों। देख सकते हो आप लोग तस्वीरें, और अभी मैं फ्लाईओवर के ऊपर से आप सभी को दिखा रहा हूं दोस्तों। तो ये रेड लाइन की ये जो लाइन है, ये रेड लाइन है, यानी कि शहीद स्थल मेट्रो स्टेशन, उससे भी इसको कनेक्ट किया जाएगा दोस्तों। और कनेक्ट कर देने के बाद में फिर जो मेरठ जाने वाले हैं और जो आपका कश्मीरी गेट जाने वाले हैं मेरठ से, वो यहाँ पर उतरेंगे, एंट्री लेंगे दोस्तों, और रेड लाइन से निकल जाएंगे कश्मीरी गेट के लिए दोस्तों।
देख सकते हो। और जो जिसे आपको बता दो सराय काले खां जाना है वो यहाँ पर उतरेंगे और इस रैपिड रेल को ज्वाइन कर लेंगे दोस्तों। तो यही वर्क चल रहा है, तो आप लोग बताना कि आप सभी का ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर दो, तुरंत बेल आइकन बजा दो। देख सकते हो वो इंडियन रेलवे के ऊपर ये ब्रिज बनाया गया, वो स्टील का दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, और वो है सिद्धार्थ विहार के अंदर दोस्तों। ये यहाँ से होते हुए सीधे साहिबाबाद निकल जाएगी और देख सकते हो हम घूम के आ चुके हैं। तो आप लोगों को कुछ इस तरीके से चमक रहा है इसके नीचे से प्लेटफॉर्म, देख सकते हो गाजियाबाद का आरआरटीएस का स्टेशन जो कि बन के 90% काम कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, और इसका जुलाई में ऑपरेशनल कर दिया जाएगा जनता के बीच में दोस्तों। आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है दोस्तों। मोदी सरकार इसी को मद्देनज़र रखते हुए है कि आगे की जो पीढ़ी आ रही है उसको और भी सुविधा मिल सके दोस्तों, और भी ज़्यादा टेक्नोलॉजी मिल सके। तो तेज़ी दिन रात काम चल रहा है, नए नए हाईवे, नए नए एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। कहीं पानी के अंदर सुरंग बना के मेट्रो चलाई जा रही है, कहीं ऊपर, तो सारा मतलब कि बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा किया जा रहा है दोस्तों इंडिया के अंदर। और आप लोगों को मैं ऐसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर अपने इंडिया के अंदर आप सभी को दिखाता रहूँगा और दोस्तों बताता भी रहूँगा साथ में। तो देख सकते हो आप लोग कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करो दोस्तों। देख सकते हो आप लोग तस्वीर किस तरीके से इस प्लेटफॉर्म को बनाया गया है, सारा डिज़ाइन देखो, डिज़ाइन कितना अच्छा लग रहा है। और अभी जो ग्लासेस लगाने का काम है वो चल रहा है दोस्तों, इसके 3rd to 1 जो फ्लोर हैं उन पर दोस्तों, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर पे ये देख लो ग्लासेस लगाए जा रहे हैं, सेटिंग लगी हुई है, तस्वीरें आप लोग देख सकते हो दोस्तों। और जो ये जगह है ये गाजियाबाद आरआरटीएस का स्टेशन है दोस्तों, और सबसे बड़ा स्टेशन, सबसे ऊंचा स्टेशन यही है, क्योंकि भविष्य में यहीं से एक लाइन जाएगी आपकी खुर्जा के लिए और दूसरी लाइन जाएगी दोस्तों हापुड़ के लिए। वो अभी बातचीत चल रही है, अभी कागजों में ही है लेकिन अभी जनता के बीच में नहीं आई है, तो वो तो भविष्य में यहीं से बनाई जाएगी। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए दोस्तों इस प्लेटफॉर्म को इतना ऊंचा बनाया गया है दोस्तों। तस्वीरें देख सकते हो आप लोग कि किस तरीके से यहां पर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है तेजी के साथ में गाजियाबाद आरआरटीएस के स्टेशन पर दोस्तों, देख सकते हो आप लोग। अब मैं इसके अंदर आ चुका हूँ और अंदर से देख सकते हो ये प्लेटफॉर्म क्या एंट्री एग्जिट पॉइंट के लिए है। और इधर देख सकते हो फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर पे इसी तरीके से जो उधर ग्लासेस लगाए जा रहे हैं इधर भी लगाए जाएंगे। अभी उनके लिए क्या अभी उनका वो बनाया जा रहा है, तो सेटिंग लगा के और इन पे इनका कवर बनाया जा रहा है शीशे को लगाने के लिए दोस्तों। देख सकते हो सेटिंग लगी हुई है और ये फूड कोर्ट है, क्योंकि प्लेटफॉर्म के अंदर जगह नहीं थी तो इस वजह से यहाँ साइड में ही इन्होंने फूड कोर्ट बनाया है दोस्तों, और उस पर शीशे लगाए जा रहे हैं। देख सकते हो लाइटें लगाई जा रही हैं इस पर बहुत तेज़ी के साथ में इस पर कंस्ट्रक्शन वर्क इस टाइम पर चल रहा है दोस्तों, गाजियाबाद आरआरटीएस के स्टेशन पर देख सकते हो दोस्तों। पहले इसके कवर बनाए जाते हैं फिर उसके ऊपर ये शीशे यानी कि ग्लासेस लगाए जा रहे हैं दोस्तों। तो नीचे का देख सकते हो बाहर के यहाँ पर ये पत्थर लगा दिया है, जो इसका रैंप है वो देख सकते हो, ये रैंप इन पे बिल्कुल पत्थर लगा दिया, कंप्लीट हो गए हैं। इस पर पार्किंग का काम किया जा रहा है, इस पर ब्लैक टॉप भी कर दिया जा चुका है, तस्वीरें आप लोग देख सकते हो। क्योंकि मैंने आप सभी को घुमा घुमा कर अच्छी तरीके से इसे दिखाने की और बताने की कोशिश की है, और देख सकते हो ये एंट्री एग्जिट पॉइंट के लिए ये देख सकते हो, ये महामाया की साइड में भी है और ये आपको चौधरी चरण सिंह का सामने जो मूर्ति लग रही है उसमें भी है, मतलब दो दो एंट्री एग्जिट पॉइंट हो जाएंगे रोड के इस तरफ भी और रोड के उस तरफ भी। देखो अब सामने कुछ ये नज़ारे हैं यहाँ के, तो आप लोग बताओ कैसा लग रहा है आप सभी को ये वीडियो दोस्तों। तो चलते हैं आगे और आगे आप लोगों को दिखाते चले गए, गोल्डर का स्टेशन भी दिखाएंगे कि उस पर क्या क्या कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, क्या क्या कंप्लीट हो चुका है, वो सब कुछ आप इसी वीडियो में देखो दोस्तों। और दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर आप चल रहे हैं गुलडर के लिए, और उसके जो बीच का डिवाइडर है उसे बना के और इसमें देख सकते हो मिट्टी डाल दिया, और मिट्टी डालने के बाद में लेवल कर देने के बाद में दोस्तों इस पर प्लांटेशन कर दी जाएगी। देख सकते हो आप लोगों को ये मिट्टी दिखाई दे रही है,
ये मिट्टी डाली गई है अभी रिसेंटली में ही, इधर तो पहले ही डाल दी जा चुकी थी दोस्तों। और आगे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा दोस्तों गुलढर RRTS का स्टेशन को, उस पर क्या वर्क चल रहा है क्या वर्क नहीं चल रहा है वो आप लोगों को आगे देखने के लिए मिलेगा। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए KP संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो KP संत के चैनल पर दोस्तों। KP संत लाता रहता है और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है, जब तक आम जनता के लिए ये ऑपरेशनल नहीं हो जाएगी तब तक मैं आप लोगों को इसका अपडेट देता रहूँगा दोस्तों। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक शेयर कमेंट करो वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों। तो देख सकते हो ये गुलढर का RRTS का स्टेशन आ चुका है, जो कि ये पहले ही बना के कंप्लीट कर लिया जा चुका था। स्क्रीन डोर्स लगाए जा रहे थे तो वो मैंने दिखाया था आप लोगों को पिछले वीडियोस में, और नहीं देखा है तो मैं आई बटन में लिंक दे दूँगा आप सभी को। तो ये प्लेटफॉर्म बिल्कुल बन के कम्प्लीट हो चुका है और इसका एंट्री एग्जिट पॉइंट भी उस साइड का बनाया जा रहा है, तो वो भी बन के कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब बचा हुआ है ये लेफ्ट हैंड का, देख सकते हो ये रूफ टॉप का काम किया जाएगा और उस पर सेटरिंग लगा दी जा चुकी है, देखो लगाई जा रही है ये रूफ टॉप के लिए, और उसका कंस्ट्रक्शन का सामान ये नीचे रखा हुआ है दोस्तों, ये देख सकते हो आप लोग। तो इसमें अभी टाइम लगेगा, इसमें कम से कम 2 महीने का वक्त लग जाएगा। और दोस्तों इसमें अभी तो इसमें स्टेयर बनाए जाएंगे और एक्सीलेटर भी बनाए जाएंगे दोस्तों, तो अभी वही वर्क चल रहा है इसमें। अभी तो इसमें देख सकते हो इसके जो आपको बता दूं जो पिलर हैं वो भी अभी बनाए जाएंगे, इनको कनेक्ट किया जाएगा, इन पे अभी सरियाओं का जाल बनाया जाएगा, फिर उसमें कंक्रीट की मदद से भरा जाएगा। तो इसमें ड्रेनेज सिस्टम भी बनाया गया पानी के लिए, देख सकते हो ये सामने दिखाई दे रहा है आप सभी को, एक आगे भी बनाया गया। तो ये कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है गुलढर RRTS के स्टेशन पर दोस्तों, देख सकते हो किस तरीके से ये एंट्री एग्जिट पॉइंट बनाया जा रहा है, क्योंकि पहले यहाँ पर ये मकान था तो मकान ये खरीदा गया है, फिर उसके बाद में तोड़ने के बाद में तब इस पर ये काम किया गया, तो बहुत ही लेट काम किया गया इस पर। तो देख सकते हो यहाँ पर ये टीम लगी हुई है, इसको बना रही है एंट्री और एग्जिट को, बाकी ये बिल्कुल प्लेटफॉर्म तो बिल्कुल बन के कम्प्लीट हो चुका है दोस्तों, और इस पर ट्रायल रन तेज़ी के साथ में डेली किया जाता है दोस्तों, डेली साहिबाबाद से और दुहाई के बीच में इस पर डेली ट्रायल चलता है दोस्तों, रैपिड रेल इस पर दौड़ती है डेली के डेली दोस्तों। तो देख सकते हो ड्रेनेज सिस्टम ये बनाया है इन्होंने, अभी तो इसमें मिट्टी लगाई है, अभी इस पर इसको वो किया जाएगा, प्लास्टर भी किया जाएगा दोस्तों, देख सकते हो कनेक्ट करने का काम चल रहा है। और देखो स्टेयर बनाने का जो काम है वो सेटरिंग लगा दी इन्होंने, और देखो ये सेटरिंग लगाई है, ये फ्लोर किया जा रहा है दोस्तों। तो यही वर्क चल रहा है इस पर गुलढर RRTS के स्टेशन पर दोस्तों, एंट्री और एग्जिट पॉइंट बनाने का जो वर्क है वो किया जा रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, ये देखो आप लोग। और ऐसे ही वीडियोस देखो, और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो थोड़ा सा भी तो हमें लाइक करो, वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा दोस्तों। और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो KP संत के चैनल पर दोस्तों। तो देख सकते हो ये ईंटें रखी हुई हैं, बहुत हल्की होती हैं, अभी यही लगाई जाएंगी इस पर एंट्री और एग्जिट पे पॉइंट पे, नीचे नीचे अभी ये भी लगाई जाएंगी। तो अभी काफ़ी सारा काम है इसको एंट्री और एग्जिट पॉइंट बनाने के लिए दोस्तों, क्योंकि बहुत सारा काम करना है ना, तो अभी 2-2.5 महीने लग जाएंगे और तभी ये आम जनता के लिए ये खोला जाएगा, इसका मुहूर्त किया जाएगा नरेंद्र मोदी द्वारा दोस्तों। तो इसी तरीके से इस पर वर्क किया जा रहा है दोस्तों, पार्किंग भी बना दी है, सारा काम हो गए हैं, बिल्कुल कंप्लीट हो गया। और यहाँ पर देखो ब्लैक टॉप का इसमें काम भी कर दिया है, ये देख सकते हो तस्वीर है। और यहाँ पर ट्रैफिक देखो कितना है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, और वो बन के कम्प्लीट हो गया, और उधर उन्होंने सब कुछ कंप्लीट कर दिया दोस्तों। देखो मैं आप लोगों को इधर से दिखाऊं तो देखो, काफ़ी टाइम पहले ही मैंने आप लोगों को अपडेट दिया था तो उसमें ये बिल्कुल कंप्लीट कर लिया जा चुका था। देखो सारे में इसमें पे प्लांटेशन भी कर दी है, बिल्कुल बन के कम्प्लीट भी हो चुका है दोस्तों। ये देखो क्या नज़ारे, यहाँ के कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है जैसा कि मैंने दिखाया अभी आप सभी को, ठीक है। तो यही चल रहा है कंस्ट्रक्शन, देखो ये फ्लोर सब कर दिया इन्होंने,
तो ये जल्दी ही बन के कम्प्लीट हो जाएगा। बाकी उधर भी चल रहा है, इधर भी, और उधर तो देखो बन के बिल्कुल कम्प्लीट हो ही चुका है दोस्तों, सारे में ही काम बिल्कुल कम्प्लीट है। अब चलते हैं हम, अब आ चुके हैं दोस्तों हम दूसरी साइड में, मतलब कि गुलढर RRTS का स्टेशन जो है, दूसरा एंट्री एग्जिट पॉइंट है एक साइड का, तो अभी आप लोगों ने देखा था कि उस पर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। दूसरी साइड में आप लोग देख सकते हो कि ये बन के बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, ये देख सकते हो आप लोग तस्वीरें दोस्तों किस तरीके से ये बन के कम्प्लीट हो चुका है, वो आप लोग देख सकते हो अपनी आँखों से। देखो दोस्तों ये बन के कम्प्लीट हो चुका है, ये देख सकते हो ये सारा ही काम कम्प्लीट हो गया है। ये गुलढर RRTS का स्टेशन है दोस्तों, जिस पर एंट्री एग्जिट पॉइंट बनाने का जो वर्क था वो कंप्लीट हो चुका है। ये देखो सारे में ही ये लैपटॉप कर दिया, ही रोक लो, देखो कुछ ऐसा बनाया है इन्होंने, ये एंट्री और एग्जिट पॉइंट, ये देखो ये बिल्कुल बन के कंप्लीट हो गया है। ये देख सकते हो तस्वीरें कि देखने में कितना ही सुंदर लग रहा है दोस्तों। ये देखो ये पहले ही कम्प्लीट कर लिया जा चुका था दोस्तों, पहले ही, अब उधर का बनाया जा रहा है। और बीच में देख सकते हो ये मिट्टी डाल के और इसमें प्लांटेशन कर दी जा चुकी जाएगी, और इसके ये डेंट पेंट का भी काम चल रहा है दोस्तों। तो यही सीन है, तो आप लोग बताना कि आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए KP संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोज़ देखते रहो KP संत के चैनल पर। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत गाइस।